तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश के इस विपत्कालीन परिस्थिति में जिन सभी हमारे स्पोर्ट्स हीरो ने डोनेट किए हैं उन सभी स्पोर्ट्स हीरो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले उन सभी हीरो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जिनका हम नाम लेने वाले हैं वो है क्रिकेट के गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर ने इस महामारी के टाइम डोनेट किए हैं कुल 50 लाख, जिसमें से 25 लाख उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में और बाकी के 25 लाख उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं यूसुफ पठान और इरफान पठान, जिन्होंने 4000 फेस मास्क दिए हैं बड़ौदा पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को। तीसरे नंबर पे आते हैं इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, जिन्होंने एक पुणे बेस्ड एनजीओ को 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं। उसके बाद आते हैं बजरंग पुनिया, जिन्होंने अपने 6 महीनों की सैलरी दे दी है पीएम रिलीफ फंड में। और उसके साथ आते हैं हिमा दास, उन्होंने भी अपनी 1 मंथ की सैलरी दे चुके हैं पीएम रिलीफ फंड में। इसके बाद आते हैं इंडिया के और एक पूर्व क्रिकेटर सुरेश रायना, जिन्होंने अपने अब तक 52 लाख रुपये डोनेट कर चुके हैं, इनमें से 31 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड में और बाकी के 21 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सीएम रिलीफ फंड में जाएंगे। इसके बाद आते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, जिन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किया है। इन 50 लाख रुपए से उन्होंने कहा है गरीब लोगों के लिए चावल खरीद के दिए हैं। इसके बाद आते हैं बैडमिंटन के सुपरस्टार पीवी सिंधु, जिन्होंने अब तक 10 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं, इनमें से 5 लाख रुपए आंध्र प्रदेश सीएम रिलीफ फंड में और बाकी के 5 लाख रुपए तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में जाने वाले हैं। इसके बाद आते हैं इंडिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर, जिन्होंने अब तक कोरोना वायरस के चलते हुए 50 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं बंगाल के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर लक्ष्मी रतन शुक्ला, जिन्होंने अपना एमएलए का पूरा सैलरी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे चुके हैं। इसके बाद आते हैं इंडिया के धमाकेदार विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्होंने इस कोरोना वायरस के चलते हुए 80 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं इंडियन फुटबॉल स्टार प्रीतम कोटल और प्रवीत दास, जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये करके और प्रणय हल्दा ने 20 हज़ार रुपये दिए हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो दोस्तों, इस विपत्कालीन परिस्थिति में अगर आप सब लोग मिल के देश के साथ खड़े होना चाहते हैं तो जाइए पीएम रिलीफ फंड या अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाके जितना हो सके उतना डोनेट की और घर में रहिए, सेफ रहिए। और दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आप रोज़ पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।